हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन MIT फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में। जैसा कि हमें आपको पता है कि हमने अब तक जितने भी लेक्चर्स बताए कैपेसिटेंस और कैपेसिटर से रिलेटेड जो प्रीवियस लेक्चर हुए 3 या 4 लेक्चर, उनमें हमने केवल और केवल डिस्कशन लिया है कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम के ऊपर। कैपेसिटर्स को कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है, उनको कैसे कंबाइन करते हैं और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तुल्य धारिता को कैसे प्राप्त करते हैं, अब तक हमने ये किया। अब हम उसी के पैरेलल में हम चलेंगे साथ ही साथ कि जब किसी कैपेसिटर के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया जाए या डाइलेक्ट्रिक स्लेब को रख दिया जाए या डाइलेक्ट्रिक मीडिया को रख दिया जाए और फिर हम उन कैपेसिटर्स को सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करें तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कशन में लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपने पास कोई कैपेसिटर है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है और इनकी प्लेट्स के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं रखा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखी, केवल और केवल एयर मीडिया है। तो इनकी जो कैपेसिटेंस है कैसे फाइंड आउट करते थे? मान लीजिए इस प्लेट का एरिया ए है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है और वैक्यूम है। ठीक है, तो वैक्यूम है तो उसके लिए अपने पास जो इक्विवेलेंट जो अपने पास जो कैपेसिटेंस आती थी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वो अपने पास आता था Q/V से। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला V=E(d) से, ठीक है, E कितना आता है, σ/ε0 आता है, E(d), σ=Q/A/ε0(d), और इस प्रकार से जब हम पुट करते हैं तो अपने पास आ जाता है A/ε0/d। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तब है जब अपन एयर मीडियम रखते हो, मतलब वैक्यूम रखते हो प्लेट्स के बीच में। ठीक है, बट व्हाट हैपन्स इफ वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक मीडिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर और वी कैन से रिलेटिव परमिटिविटी, तो और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, प्लेट्स के बीच की एरिया ए है। तो इनके लिए जो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था, आपको ध्यान हो तो अपने पास आया था A/ε0 K/d। ठीक है, इसको हम K भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, एप्सिलॉन और K, और अपने पास आया था कि ये तो एयर में है। ठीक है, C0 से एयर में हो गया तो C0 × K, मतलब K टाइम्स इनकी जो कैपेसिटेंस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी अप्रोच को हमें काम में लेना है इन प्रॉब्लम्स को डिस्कशन में लेते हुए। ठीक है, बाकी जो है सीरीज और पैरेलल तो सेम ही रहेगा। सीरीज की कॉन्सेप्ट ये है कि जब किन्हीं कैपेसिटर्स को C1, C2, C3, C4 को अपन सीरीज में ऐड करते हैं, ठीक है, सीरीज में जब ऐड करेंगे तो अब इनकी जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है 1/C equivalent से फाइंड आउट करेंगे, यानी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, ये सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। और पैरेलल में क्या हो जाता था, जब हम कैपेसिटर्स को जब हम पैरेलल कंबाइन करते थे इनको, तो C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन, तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आता था पैरेलल में तो अपने पास आता था C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन। इस प्रकार से हम निकालते थे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, 0 से लेकर के टॉप तक के क्वेश्चंस हैं, JEE में आए हुए क्वेश्चंस, नीट में आए हुए, मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कशन में करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ईजी से स्टार्ट करें, देखिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यस, ये देखिए अपने पास,
तो देखेंगे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए अपने पास क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपने पास बोल रखा है देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है। ये कोई अपने पास कैपेसिटर है और इनकी जो प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट्स, ठीक है, वन एंड टू प्लेट, और इसकी डी बाई टू डिस्टेंस के ऊपर, डी बाई टू डिस्टेंस में, और ये वाली भी कितनी डिस्टेंस है, डी बाई टू डिस्टेंस है। इस डी बाई टू डिस्टेंस में इसने क्या फिल कर रखा है, डायलैक्ट्रिक मीडिया, ठीक है, जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के इज इक्वल टू टू, और ये जो है डायलैक्ट्रिक मीडिया इसके अंदर फिल कर रखा है, और ये क्या है, एयर है, ठीक है, ये एयर अपने पास है। प्लेट का एरिया ए है, ठीक है जी, प्लेट का एरिया ए है, इस प्लेट का जो एरिया ए है, डिस्टेंस कैपिटल डी हो गई, और हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दिस टर्मिनल, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान देंगे, देखिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से सिनेरियो है कि एक प्लेट ये है अपने पास, ठीक है, और एक प्लेट ये है, दो प्लेट हैं, इसके हाफ पोर्शन में डायलैक्ट्रिक मीडियम रख रखा है, ठीक है, परावैद्युत माध्यम रख रखा है। अब परावैद्युत माध्यम रखेंगे तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, यदि हम बैटरी कनेक्ट करें इनके बीच में, यदि हमने बैटरी कनेक्ट की तो V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, V वोल्ट, और यहाँ पर कितना पोटेंशियल आएगा, जीरो, यहाँ पर पोटेंशियल V आएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इस प्लेट का जो पोटेंशियल है, इस प्लेट का टोटल जो पोटेंशियल है वो कितना है, यहाँ पर V पोटेंशियल है, और यहाँ पर आ गया जीरो पोटेंशियल। यदि हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जैसा कि हमें पता भी है कि कोई भी अपने पास ये कैपेसिटर है, उनकी प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हमें यह भी पता है E वेक्टर इज इक्वल टू होता है माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डायरेक्शन ये है, तो V से यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो यदि लेफ्ट से राइट की ओर जाया जाए तो पोटेंशियल घट करके कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, घटता है, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का डेल V अपॉन डेल एन एन कैप, ठीक है, डेल आर आर कैप, ऐसे बोल दो, R डिस्टेंस। बट इसकी बात करें, देखो यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इसकी बात करें, इस सेपरेशन वॉल की बात करें, ये जो वॉल है यहाँ पर, यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इस यहाँ पर तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अलग पोटेंशियल है, यहाँ पर कुछ भी पोटेंशियल मान लेते हैं, कोई पोटेंशियल अक्स मान लिया हमने यहाँ पर पोटेंशियल, तो वी और एक्स, और ये एक्स और वी। तो क्या मैं इस सारे प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को, इस कैपेसिटर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखिए, इस प्लेट का पोटेंशियल V है, ठीक है, और यहाँ पर जो सेपरेट हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल X है, ठीक है, ये V हो गया, ये X हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर भी X पोटेंशियल है, ये वाली प्लेट X हो गई, और यहाँ पर कितना है, जीरो पोटेंशियल है, ये वाली जीरो पोटेंशियल। क्या मैं इसको ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर एक्स पोटेंशियल है, यहाँ पर भी इस प्लेट का कितना एक्स पोटेंशियल है, यहाँ से हमने सेपरेट कर दिया, और ये वाला जो कैपेसिटर है, इसके अंदर जो डायलैक्ट्रिक मीडिया है, उसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, के इज इक्वल टू टू है, ठीक है। प्लेट्स का एरिया कितना है, ए है, डिस्टेंस कितनी हो गई जी, डी बाई टू, यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी हो गई, डी बाई टू, और प्लेट एरिया कितना है, ए। अब देखने से ये लग रहा है कि ये जो है वो सीरीज में है, तो इसकी कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, मीडियम की कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, इसकी मान लेते हैं हमने C1 बोल दिया, और इसको हमने बोल दिया C2 बोल दिया, तो C1 कितना हो जाएगा, C1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A अपसाइल नोट, ठीक है, अपसाइल नार अपॉन डी बाई टू, और C2 कितना हो जाएगा,
सी टू हो जाएगा ए अपसाइलर नोट, अपसाइलन आर तो वन होगा, एयर मीडियम का अपसाइलन आर कितना होता है वन होता है, और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई टू। ठीक है, हो गया। अब किस में है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब दो कैपेसिटेंस सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। ठीक है, देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई टू और ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई टू क्या है, कॉमन है, तो इसको एक अलग नाम दे देते हैं कि मान लेते हैं इसको हमने बोल दिया कि सी नोट है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, देखो एप्सिलॉन आर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं टू है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू। ठीक है, तो देखिए सी वन जो हो गया उसको हम क्या लिख सकते हैं, सी वन जो हो गया वो हो गया टू सी नोट, और सी टू हो गया वो कितना हो गया सी नोट हो गया। सिंपल सी बात, ये टू सी नोट हो गया, ये सी नोट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो हो जाएगा ईजी, देखो ये हो गया टू सी नोट स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा थ्री सी नोट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा टू सी नोट अपॉन थ्री हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन, सी इक्विवेलेंट एस कितना हो जाएगा, सी नोट की जगह हम पुट करेंगे ए एप्सिलॉन नोट डी बाई टू, यानी ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री, यानी ए एप्सिलॉन नोट डी बाई टू यानी फोर बाई थ्री, और ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी हो गया ये अपने पास। ठीक है, फोर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन थ्री डी, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। अब देखो यहाँ पर इसकी अप्रोच क्या है, इस क्वेश्चन की थीम देखो क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन इस एक ये जो अपने पास जो सेपरेटिंग जो वॉल है, ठीक है, ये जो सेपरेशन जहाँ से हो रहा है इसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, यहाँ से डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल अक्स रहेगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया वी माइनस एक्स, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया एक्स माइनस जीरो। तो एक तरह से मैंने इसको ऐसे ट्रीट कर लिया कि ये अलग अलग कैपेसिटर है। ठीक है, अलग अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको अलग अलग सेपरेट कर लिया, यहाँ पर डी बाई टू, डी बाई टू इसका इसका जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टू है, तो इसके लिए अलग कैपेसिटेंस निकाल ली, उसके लिए अलग निकाल लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू डायलैक्ट्रिक की कितनी है टू है, टू पुट कर दिए, आंसर आ गया। फिर जो अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन की जो अप्रोच है वो लगा दी। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए यस, इसी के रिगार्डिंग अपने पास क्वेश्चन है। देखो ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, देखो अपने पास ये वाला देखो। ठीक है, हम बात करते हैं एक कैपेसिटर दे रखा है कुछ इस प्रकार से, उनकी प्लेट्स दे रखी हैं, यहाँ पर अपने पास वो हो गया वायर। ठीक है जी, और अब की बार क्या कर रखा है, जो डायलैक्ट्रिक मीडियम फिल कर रखा है वो डायलैक्ट्रिक मीडियम अपर पोर्शन में फिल कर रखा है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, इसका जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के इक्वल टू अगेन टू है, और अब की बार एरिया को स्प्लिट कर दिया, यानी ए बाई टू, और ये वाला भी कितना है ए बाई टू, और हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सिंपल सी बात है, देखो वेन एवर वी वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन इन ईच क्वेश्चन वी कनेक्टेड बैटरी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी। यस, ये देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा पोटेंशियल V हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल हो गया जीरो। ठीक है, जीरो वोल्ट हो गया, यहाँ पर हो गया V। इस प्लेट की बात करूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है V है, हर एक प्लेट के पोर्शन के ऊपर पोटेंशियल कितना है V है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या होता है डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, यहाँ पर है जीरो। बट देखो इस वाले पोर्शन में डायलैक्ट्रिक मीडियम अलग, के इक्वल टू टू वाला है, इसमें के इक्वल टू वन है, एयर मीडिया है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस वाले पोर्शन की बात करूँ, मैं इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है V है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पोटेंशियल कितना V है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है जीरो है। ठीक है, जीरो V एंड जीरो है। अब नीचे वाले पोर्शन की बात करूँ, इस पर भी कितना पोटेंशियल है V है, यहाँ पर भी जीरो है,
तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर तो हो गया ज़ीरो पोटेंशियल, तो इस पर भी ज़ीरो, इस पर भी ज़ीरो, और यहाँ पर पोटेंशियल हो गया V, तो यहाँ पर भी इस प्लेट के ऊपर भी पोटेंशियल V, एंड हियर इज ऑल्सो V, एंड दिस इज द बैटरी, ठीक है। बट यहाँ पर जो डायलैक्ट्रिक मीडिया है उसका जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पर एयर है, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर जो प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, a बाई टू है, डिस्टेंस तो d ही है, यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी है, d है, यहाँ पर एरिया कितना है, a बाई टू, तो यहाँ पर इसको बात कर लेते c1, तो c1 हो जाएगा a अपसाइलन नोट अपसाइलन r अपॉन d, यानी अपने पास हो जाएगा देखिए a अपसाइलन नोट अपॉन d, इसको हमने बोल दिया सी नोट। बात करें इस कैपेसिटर की, तो यहाँ पर देखो C2 कितना हो जाएगा, A बाई टू अपसाइलन नोट अपॉन डी, यानी ये हो जाएगा C नोट अपॉन टू। तो ये किस में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी C इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अपने पास आता है C1 प्लस C2, यानी कितना हो जाएगा 3 बाई टू सी नोट, यानी 3 बाई टू, और ये हो गया A अपसाइलन नोट अपॉन डी, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है जी, चेकआउट कर लेना इसके ऑप्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, देखिए अपने पास यस 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये देखो अब की बार इसने 3 डायलैक्ट्रिक मीडिया को सेपरेट कर दिया, ठीक है, ये के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 2 एंड के इज इक्वल टू 3। के 1 जो है वो अपने पास दे रखा है 1, के 2 दे रखा है अपने पास 3, और के 3 अपने पास दे रखा है 6, ठीक है, और यहाँ पर जो अपने पास सेपरेट कर रखा वायर से, और हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। ये जो एरिया है वो ए बाई थ्री है, ये एरिया ए बाई थ्री, ये भी एरिया ए बाई थ्री। अब ध्यान देना जरा, इसको ध्यान देखना एक बार, इसको ध्यान देना। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि इसमें बैटरी की, तो हमने लगा दी बैटरी, वी वोल्ट की हमने लगाई बैटरी। यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, V आएगा, बिल्कुल जी, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब V आया, तो यदि हम बात करें यहाँ पर पॉजिटिव अपने पास, ठीक है, क्या दे रखा है एक बार क्वेश्चन देखना, एक बार प्लेट्स कुछ इस प्रकार से हैं और सेपरेशन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, हाँ सही है। तो देखो क्या करना है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो, इसको हम एयर मान सकते हैं, ये डायलैक्ट्रिक मीडिया है जिसका डायलैक्ट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया। तो यदि मैं बात करूँ कि वायर कहाँ लगा रखा है, वायर लगा रखा है ए एंड बी के ऊपर, ठीक है, ए और बी के ऊपर वायर लगा रखा है। अब बात करें कि यहाँ पर V पोटेंशियल होगा, यहाँ पर 0, तो यहाँ से यदि हम अप से और डाउन की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इस वॉल की बात करूँ मैं, यहाँ पर तो पोटेंशियल फिक्स होगा, इस पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स होगी, तो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ कि ये एक ऐसे स्लेब होगी K1 इज इक्वल टू 1 वाली, और ये एक और प्लेट हो गई के इज इक्वल टू 2 वाली, के 2 इज इक्वल टू 3 वाली, और एक प्लेट ये हो गई अपने पास के 3 इज इक्वल टू 6 वाली, के 3 इज इक्वल टू 6 वाली, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये सीरीज में हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल कितना था, V पोटेंशियल था, यहाँ पर 0 पोटेंशियल हो जाता है बैटरी लगाते हैं तो, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर X और Y, तो ये किस में है, सीरीज में, सीरीज में है। तो इसकी यदि हम कैपेसिटेंस की बात करें तो C1 बोल देते हैं, C1 की जो होगी वो हो जाएगी A बाई 3 A अपसाइल नोट अपॉन D। अच्छा D कितना है,
यदि हम बात करें, देखो डी इनके बीच की यदि हम बात करें, ये वाली ये तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है, सेपरेशन तो फिक्स ही रहेगा, तो इसको हम बोल देते हैं ये अपने पास डी हो गया। सी टू की बात करें तो कितना होगा, ए बाई थ्री अपसाइल नोट और डायलैक्ट्रिक है, थ्री अपोन कितना हो गया, डी हो गया। इसकी बात कर लेते हैं सी थ्री, यानी ए बाई थ्री अपसाइल नोट और सिक्स अपोन डी हो गया। इसको हम बोल देते हैं सी नोट, तो ये हो गया थ्री सी नोट, यहाँ पर कितना हो गया सिक्स सी नोट हो गया, ठीक है। ये अपने पास ठीक है, इस प्रकार से सेपरेट हो गया, ये डिस्टेंस अपने पास हो गया डी, ये वाले डिस्टेंस क्या हो गया डी। ये देखो यदि हम 3D में विजुअलाइज करें तो किसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये वाली प्लेट कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये वाले कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, और ये डिस्टेंस इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d, और ये कितना एरिया है a बाई थ्री, और ये भी कितना है a बाई थ्री, ऐसे दे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अब इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वन अपॉन सी एस इजक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, यानी वन अपॉन सी नोट प्लस वन अपॉन थ्री सी नोट प्लस वन अपॉन सिक्स सी नोट, यानी वन अपॉन सी एस कितना हो जाएगा, वन अपॉन सी नोट को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर सिक्स हो गया, तो ये हो गया सिक्स प्लस, तो टू हो गया प्लस यहाँ पर वन हो गया, ये हो गया सिक्स हो गया, तो सी एस जो हो जाएगा अपने पास कितना हो गया सिक्स सी नोट अपॉन एट हो गया, यानी सी एस हो गया थ्री बाई फोर सी नोट, और सी नोट की वैल्यू कितनी है ए बाई थ्री अपसाइल नोट बाई डी, यानी सी एस हो जाएगा अपने पास, ये हो गया थ्री बाई फोर, और ये हो गया ए अपसाइल नोट अपॉन थ्री डी, यानी ये हुआ अपने पास ए अपसाइल नोट अपॉन फोर डी सी एस। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा ए अपसाइल नोट अपॉन फोर डी, लेट मी चेक आउट, ओके इज, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेट्स जो हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे मानेंगे इस प्रकार से प्लेट्स हैं, ठीक है, ये केवल बाउंड्री को शो कर रखा है, ये जो प्लेट्स हैं इस प्रकार से हैं, और ये क्या है केवल बाउंड्री, इस प्रकार से सेपरेट करें, इसको वर्टिकल वे में शो कर रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया अपने पास थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, मिक्स्ड हैव की बार, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें अपने पास, तो देखो क्या है अपने पास दे रखा है, ये एक प्लेट दे रखी है, इस प्रकार से लॉन्ग प्लेट दे रखी है, ये वाले भी पैरेलल प्लेट, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये ए बाई टू के ऊपर, ये a बाई टू एरिया अपर वाली का हो गया, ये a बाई टू लोअर वाली का हो गया, इसमें k1 वन इजक्वल टू फोर का डायलैक्ट्रिक मीडिया पुट कर रखा है, ठीक है ये, और यहाँ पर देखो k2 टू इजक्वल टू थ्री और k3 थ्री इजक्वल टू सिक्स का इस प्रकार से डायलैक्ट्रिक मीडिया पुट कर रखा है, तो अब की बार देखकर ही पता लग रहा है कि तीन कैपेसिटर्स बनेंगे, ठीक है, और टर्मिनल्स जो अपने पास ये हैं, ये d बाई टू बोल रखा है, और यहाँ पर भी देखो d बाई टू बोल रखा है, ये जो है टर्मिनल a मान लेते हैं, इसको टर्मिनल b मान लेते हैं, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बैटरी लगाते हैं, ठीक है जी, बैटरी को हमें ऐसे एज ए हेल्प की तरह यूज़ में लेते हैं, बस
आइडिया हो जाएगी, यहाँ पर देखो पोटेंशियल वी है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, जीरो है, ठीक है। सबसे पहले हम अपर वाले जो पोर्शन है डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसको हम अलग करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने सबसे पहले अलग कर दिया, इस यहाँ पर पोटेंशियल कितना, वी पोटेंशियल है इस प्लेट का, और इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है, जीरो पोटेंशियल है। देखो यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर वी है, वी जीरो। और ये जो है के वन इजक्ल टू फोर वाला डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, ठीक है जी। और इस प्लेट का जो एरिया है वो ए बाई टू है, ठीक है। नीचे की बात करते हैं, नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना है, वी है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है। बट इसमें देखो दो पोर्शन बने हुए हैं, लेफ्ट में कितना है डाइलेक्ट्रिक मीडिया, थ्री है, राइट वाले पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक मीडिया का जो डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट है वो सिक्स है। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल वी है, बट यदि हम डी बाई टू डिस्टेंस के ऊपर देखें तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेज आते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव के यदि हम चार्जेज की ओर जाएँ तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। बट इस वाली सेपरेशन की बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल फिक्स होगा। तो हम एज ए इसको अलग से सेपरेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने कुछ किया था, के टू इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया थ्री, ठीक है। और यहाँ पर देखो के थ्री हो गया अपने पास सिक्स इस प्रकार, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो पोटेंशियल आएगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल वी है, तो क्या इसको हम एज ए सेम वायर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होते हैं, जिन भी पॉइंट्स के ऊपर सेम पोटेंशियल होता है उन पोटेंशियल्स उन पॉइंट्स को हम एक सिंगल वायर से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ये अपने पास लगी है बैटरी, ठीक है। अब ये देख कर पता लग रहा है कि ये तो अपने पास सीरीज में है, और इनका इन सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ पैरेलल में, के वन इज इक्वल टू फोर से। तो देखते हैं, चलिए इसके कैपेसिटेंस बात करते हैं। सी वन कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, यानी ए बाई टू, और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर कितना है, फोर, डी कितना है डिस्टेंस, तो अपने पास कितनी है, डी ही है डिस्टेंस। यानी ये हो गया अपने पास कितना होगा, टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो गया सी वन। सी टू की बात कर लेते हैं, तो सी टू में कितना है एरिया, देखो इस प्लेट का ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, यानी ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, थ्री, और डिस्टेंस कितना, डी बाई टू हो गया। तो कितना होगा यहाँ पर, ये हो गया थ्री ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगा। इसकी बात कर लेते हैं सी थ्री, यानी ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना, सिक्स हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, डी बाई टू हो गया, यानी हो गया सिक्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो गया। ये हो गया सी थ्री, ठीक है, और ये हो गया सी टू, सी थ्री, एंड दिस इज सी वन। तो अब देखो इन ये किस में है, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को हम बोल देते हैं सी नॉट, ठीक है। तो ये कितना हो गया सी वन, सी वन जो हो गया वो हो गया टू सी नोट, सी टू जो हो गया वो हो गया थ्री सी नोट, और सी थ्री जो हो गया वो हो गया सिक्स सी नोट, ठीक है, सिक्स सी नोट। तो इसको हम करते हैं, देखो ये किस में है, टू सी नोट हो गया, और ये इन दोनों का क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनका कैसे निकालेंगे, सीरीज में हम निकालें, सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट निकालें, तो देखो क्या होगा, टू सी नोट आएगा क्या, सिक्स थ्री जाए एटीन हो जाएगा, टू सी नोट आ जाएगा, टू सी नोट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये हो गया टू सी नोट, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है, सी इक्विवेलेंट पैरेलल में निकाल लें, तो अपने पास आएगा टू सी नोट प्लस टू सी नोट, यानी आ जाएगा फोर सी नोट, यानी आ जाएगा फोर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये हो गया अपने पास फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ की बात करें, देखो फिफ्थ की क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। देखो अपने पास सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ये वाला भी सेम है, ठीक है, ये कुछ अलग है।
इसकी बात करते हैं। देखो ठीक है, ओके यदि हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, हमें दे रखा है इस प्रकार से अरेंजमेंट की ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया फिल कर रखा है इसने, इस डाइलेक्ट्रिक मीडिया का जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इस मीडिया का जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वेरीज एज k इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन डी, ठीक है, और डिस्टेंस अपने पास एक्स दे रखे है यहां से, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि डिस्टेंस आप यहां से मेजर करो, यहां से मेजर करो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन जेई में मेंस में आने के लायक है, बढ़िया क्वेश्चन है, और नीट का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको आराम से। अब देखो यदि हम बात करें इस डायलैक्ट्रिक, इसमें इस कैपेसिटर की बात करें, तो इस कैपेसिटर के अंदर जब हम बात करते हैं किसी डायलैक्ट्रिक मीडिया को रखते हैं, ठीक है, डायलैक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं, तो उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम फाइंड आउट करते हैं, तो सी मीडियम के लिए अपन फाइंड आउट करते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यहाँ पर आ जाता है एप्सिलॉन आर, या इसको के बोल दें, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो फॉर्मेट है ये तभी आती है जब डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है, मीडियम का जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी है, वो कॉन्स्टेंट हो, डिस्टेंस के साथ वेरी ना करें, ये तब फॉर्मेट वैलिड है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो वो वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, ये जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वेरी कर रहा है, ठीक है, इसमें वेरिएशन है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मेट जरूर लगेगा, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कहाँ पर ये जो है ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो वो कॉन्स्टेंट हो रहा है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, हालांकि ये चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो कैसे करेंगे। देखो क्या इस जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम ऐसे मान सकते हैं कि देखो ये एकदम पतले पतले अपने पास स्लेब्स जो है इसमें इससे बना हुआ है, यहाँ पर देखो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है इसकी हम पतली 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 स्लेब को कट कर दें कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी पतली पतली स्लेब को क्या कर दें, कट कर दें, इस प्रकार से चल रही हैं, ठीक है, और यहाँ तक चल रही हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ कि मान लेते हैं इसकी विड्थ जो है, इस एक स्लेब की जो विड्थ है, इसको जूम करें तो इसकी जो अपने पास जो विड्थ है उसको हमने बोल दिया कि ये जो है dx है, कितनी है dx है। अब dx की बात करूं तो dx बहुत ही छोटा है, ठीक है, जब डेल्टा x जो है, डेल्टा x का अपन बोलें कि डेल्टा x जो वेरिएशन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन डेल्टा x भी टेंड्स टू जीरो की तरफ हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, dx लिख देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस dx में ये जो अपने पास डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है कि जो फॉर्मेट दे रखी है 1 प्लस एक्स अपॉन डी, उसका जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है,
चेंज जो है, वेरिएशन जो है वो बहुत कम आएगा, वेरी लेस चेंज इन डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर डीएक्स लेंथ, फॉर डीएक्स, डीएक्स के लिए कितना बहुत ही स्मॉल चेंज आएगा, तो डीएक्स के लिए बहुत स्मॉल चेंज आएगा, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला जो अपने पास हम यूज करते हैं, जो फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं, सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो फिक्स हो। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा जुगाड़ ढूंढ लिया, जुगाड़ सर्च कर लिया कि हम ये बोलें कि dx डिस्टेंस के लिए ये जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से अक्स डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से अक्स डिस्टेंस के ऊपर एक dx की, एक dx विड्थ की एक स्लेब काट ली मैंने डायलैक्ट्रिक मीडिया की, ठीक है, dx की, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो जब dx की हमने इसको स्लेब कट कर ली dx की, तो यहाँ इसके लिए जो dk होगा, ठीक है, जैसे कि अक्स डिस्टेंस के लिए डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट k है, उसी प्रकार से dx के लिए कितना हो जाएगा, dk हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कैपेसिटेंस निकाल लें, तो उसके करस्पोंडेंट जो कैपेसिटेंस आएगी वो आ जाएगी dc, ठीक है, और वो कितने आएगी, एरिया तो a ही है, a एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनके बीच की, यदि हम देखो इस टोटल कैपेसिटर को हम ऐसे बोल सकते हैं कि छोटी 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 स्लेब्स जो हैं अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई, मान सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में बोल सकते नहीं बोल सकते, और सीरीज कॉम्बिनेशन में बोल सकते हैं तो इसकी जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटी निकलेगी सी इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इन छोटी छोटी जो कैपेसिटर्स हैं उनको क्या कर दूँगा, सम कर दूँगा। लेकिन ये जो सम होगा वो इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में होगा, डी सी इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में क्यों होगा, क्योंकि हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं डी एक्स वो बहुत ही स्मॉल है, और इस चेंजमेंट के लिए जो हम एडिशन यूज में लेते हैं वो समेशन ना लेकर के, डिस्क्रीट समेशन ना लेकर के इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट लेते हैं, तो डी सी हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डी सी, ये अपने पास आ जाएगा। अब डी सी निकालेंगे तो डी सी हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डी के, ठीक है। ये कितना हो जाएगा डी के हो जाएगा यहाँ पर, और इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन। अब डी के की बात करें तो देखो ये अपने पास डी के हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, तो डी के देखो अपने पास कितना होगा, डी के इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस डी एक्स अपॉन डी, यहाँ पर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर देखो ठीक है, ओके डी एक्स आएगा ना यार, ओहो एक सेकंड रुकना जरा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैसे करते हैं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं यार, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट नीचे लेते हैं ना रेसिप्रोकल में, यानी ऐसे लिखते हैं वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस, ऐसे तो लिखते हैं, बट यहाँ पर हम करेंगे तो सीरीज में कितना आ जाएगा, वन अपॉन डी सी आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, इस प्रकार से आएगा डी सी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। अब डी सी की बात करें तो कितना होगा डी सी, ये देखो अपने पास होगा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, भाई डी एक्स विड्थ के लिए कितना आ जाएगा, ये जो dx विड्थ ले रहे हैं इसकी जो कैपेसिटी है dc निकालें कितनी आ जाएगी, एरिया तो इस प्लेट्स का a है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और
ये अपने पास के है, और dx डिस्टेंस के लिए अपने पास कुछ इस प्रकार से है, dx डिस्टेंस के लिए dx हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इस dx के लिए एज ए क्या मान सकते हैं, कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, एज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है, बिहेव्स एज ए कॉन्स्टेंट, अज्यूम, ठीक है, इट बिहेव्स एज ए कॉन्स्टेंट, फॉर dx विड्थ, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया k हो गया। अब देखो ये dx हो गया, अब अपने पास हो गया a epsilon नोट, और ये कितना हो गया, अब ये कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। dx डिस्टेंस के लिए हमने k को क्या मान सकते हैं, कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, k कितना है, 1 प्लस x अपॉन डी हो गया, ठीक है जी, 1 प्लस x अपॉन डी हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो 1 अपॉन c इक्विवेलेंट सीरीज में कितना जाएगा, 1 अपॉन a epsilon नोट, और ये हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस x अपॉन डी। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अब 1 अपॉन c इक्विवेलेंट सीरीज में आ जाएगा a 1 अपॉन a epsilon नोट, और ये आ जाएगा ln में, ln 1 प्लस x अपॉन डी, ठीक है। और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी, और 1 अपॉन डी आ जाएगा नीचे, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा ln 1 प्लस x अपॉन डी, और ये होगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट सीरीज में। यदि हम बात करें c इक्विवेलेंट सीरीज की, तो ये हो जाएगा a epsilon नोट रेसिप्रोकल लें अपॉन d, और ये हो जाएगा ln 1 प्लस x अपॉन d। ये अपने पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। लेट मी चेक दैट व्हाट इज इन इट्स ऑप्शन हियर, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी दे रखी है क्या, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। बट यदि लिमिट की बात करें तो लिमिट भी दे रखी है, डिस्टेंस डी दे रखी है, डी क्या लिमिट है, तो लिमिट देखो अक्स की लिमिट यदि हम पुट करें, अक्स की यदि लिमिट पुट करें तो 0 से 2, तो अक्स की लिमिट 0 से कहाँ तक आएगी, डी तक आएगी भाई, अक्स की लिमिट कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, डी तक है, डिस्टेंस कितनी विड्थ दी है, तो 0 से d पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 0 से d पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, और d से ln 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ln 1 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। बट यदि ये यदि लिमिट नहीं दे रखी हो, ठीक है, तो जनरल वे में हम ln 1 प्लस x से उसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लिमिट दे रखी है यहाँ पर, डिस्टेंस d दे रखी है यहाँ पर, क्वेश्चन में देखो यहाँ पर लिख लेना d, ठीक है, ये अपने पास, ठीक, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन सेकंड, फिफ्थ जो भी है, फिफ्थ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है देखो इसी से रिगार्डिंग, अब की बार ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है, ये हो गया, जल्दी से नोट करेंगे इसको, एक सेकेंड डेट में चेक दैट, ओके, ये अपने पास हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसको स्क्रीन को पॉज करके। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, वो भी सिमिलर इसी के सिमिलर है। देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है अपने पास, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कुछ इस प्रकार से, यस, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। देखो हमें दे रखा है, देखो ये पैरेलल प्लेट का ये प्लेट है, ये वाली प्लेट है, और अब की बार जो है, ठीक है, ये अपने पास टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है,
जो डायलैक्ट्रिक मीडिया इसने अब की बार पुट कर रखा है, उस डायलैक्ट्रिक मीडिया का जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो वेरी कर रहा है 1+y/d के अकॉर्डिंग, 1+l है, एल ठीक है, और एल ये लेंथ है अपने पास, एल लेंथ ऑफ प्लेट, एल जो दे रखा है वो दे रखा है लेंथ ऑफ प्लेट, लेंथ ऑफ प्लेट दे रखी है, ए दे रखा है एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है, और डी क्या है, सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है जी, अब इसमें देखो कैसे करते हैं, सेम ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस किया था उसी के रिगार्डिंग सेम सिमिलर क्वेश्चन होगा। देखो कैसे होगा, अपने पास आपकी बार वाई में दे रखा है, ठीक है, वाई के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वाई के अकॉर्डिंग हमें तो क्या करना है, फिक्स करना है, ठीक है, हमें तो वी वांट दिस फॉर्म एज ए कॉन्स्टेंट फॉर फॉर हैविंग कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ के वी वी एज्यूम ए स्लेव ऑफ विड्थ डी वाई। देखो अब की बार क्या करना है, y के रिगार्डिंग चेंज हो रहा है, ये y इस प्रकार से दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है y, इस प्रकार से ये y ऐसे दे रखा है, तो हम क्या करते हैं y डिस्टेंस पर जाकर के डी वाई डिस्टेंस डी वाई विड्थ की एक स्लेब काट लेते हैं कुछ इस प्रकार से, डी वाई की ये हो गया डी वाई। यदि हम इसको 3D में विजुअलाइज करना चाहें तो किस प्रकार से विजुअलाइज करेंगे, देखो इसको कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, और ये वाला देखो, ये वाला, ये कुछ इस प्रकार से, और ये जो विड्थ दे रखी है वो दे रखी है अपने पास डी वाई, ठीक है, और इस डी वाई डिस्टेंस के लिए, इस विड्थ के लिए हम ये बोल सकते हैं जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो वेरी नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि डी वाई बहुत ही स्मॉल है और ये के वाई के रिगार्डिंग चेंज हो रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि डी वाई के लिए फिक्स एक तरह से कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इस कैपेसिटर को हम छोटी 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 स्लेब के फॉर्म में मान सकते हैं, देखो इस प्रकार से। अब ये जो हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगी, ठीक है, प्लेट ये है, ठीक है, प्लेट ये, तो इस प्रकार से जितने भी हैं ये क्या पैरेलल में है, क्या ये पैरेलल में है, जी बिल्कुल पैरेलल में है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, वी है, यहाँ पर पोटेंशियल है जीरो, ठीक है, यदि हम इस स्लैब की बात करें तो सारे के सारे किस में है, ये पैरेलल में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, पैरेलल में, ठीक है, और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, डी दे रखी है शायद, ठीक है, इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी, डी दे रखी है, सेपरेशन डी दे रखा है, बिल्कुल जी डी दे रखा है। तो प्लेट्स जो हैं, ऐसे मत सोचिएगा कि ये वाली प्लेट्स हैं, ये डायलैक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स तो ये हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, ये वाली प्लेट तो ये है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, प्लेट्स तो ये हैं, तो फिर ये क्या डी वाई में, ये डायलैक्ट्रिक मीडिया को भर रखा है, प्लेट तो ये है, प्लेट तो ये है, ठीक है, ये वाली पॉजिटिव प्लेट, ये वाली नेगेटिव प्लेट, अब इसके ऊपर पोटेंशियल वी है, इसके ऊपर जीरो पोटेंशियल है, तो अब ये किस में है, ये वाली जो प्लेट्स हैं, ये लेफ्ट वाली प्लेट, ये राइट वाली प्लेट, लेफ्ट प्लेट, राइट प्लेट, ये किस में आपस में, ये जो कैपेसिटर हैं छोटे छोटे कैपेसिटर, ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं डायरेक्ट डीसी का, ठीक है,
इसके लिए डीसी आएगी, कितने आ जाएगी अब देखना है, एरिया निकालना है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। टोटल एल लेंथ में बात करें, इस टोटल लेंथ की बात करें, उसका एरिया कितना है, एल लेंथ में यदि हम बात करें, इस प्लेट का एरिया ए है, ठीक है, एल लेंथ की बात करें तो इसका कितना एरिया ए है। हमने कितनी लेंथ ली, डी वाई ली, तो डी वाई बोले या डी एल बोले, उसका एरिया कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं, तो डी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई अपोन एल इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए अपोन ए, या हम बोलें कि डी वाई जो हो गया वो हो गया एल अपोन ए, ठीक है, एल अपोन ए हो जाएगा और ये हो जाएगा डी ए, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। एल लेंथ की यदि बात करें, देखो एल लेंथ की यदि बात करें तो एल लेंथ के लिए एरिया ए है, तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा ए अपोन एल, और डी ए हो जाएगा डी वाई के लिए डी वाई, इस प्रकार से आएगा डी ए, हमें निकालना डी ए, ठीक है, तो डी ए कितना आ जाएगा, इसकी बात करें, देखो डी ए की बात करें, हमें एरिया निकालना डी ए, तो यहाँ से डी ए की बात करें तो कितना आ जाएगा ए अपोन एल एंड डी वाई, तो डी सी कितना हो जाएगा ए एप्साइलन नॉट, यानी ए बोले तो डी ए अपसाइल नोट, और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, के है, और अपॉन डी, डिस्टेंस कितनी है प्लेट्स के बीच की, डिस्टेंस डी है जी, बिल्कुल, डिस्टेंस तो कितनी है, डी है, ये डिस्टेंस है, ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो तो डी है, और इनका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, डी ए आ जाएगा, और डी ए हमने निकाल दिया, ए अपॉन एल इंटू डी वाई, पुट करो, देखो पुट करेंगे इसको, डी ए कितना है, ए अपोन एल, ए अपोन एल, और ये हो गया डी, और ये हो जाएगा डी वाई, अपसाइल नोट वन प्लस वाई अपोन एल इंटू डी ए, ठीक है, और डी वाई हो जाएगा ना, ये डी वाई के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना डायरेक्ट, देखो वन ऑफ सी इक्विवेलेंट हो जाएगा ए अपसाइल नोट एल कॉन्स्टेंट है, डी भी बाहर ले लेंगे, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एल। अब ये भी पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, वाई की जो लिमिट है वो कितनी है, जीरो से एल तक है, तो जीरो से एल तक पुट कर देते हैं, तो चलिए, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने पास ए एप्सिलॉन नॉट एल डी, वाई की पुट करें, देखो एल प्लस एल स्क्वायर अपोन एल, यहाँ पर भी एल हो जाएगा, बाकी जीरो हो जाएगा, तो यह सी इक्विवेलेंट हो जाएगा टू ए एप्सिलॉन अपोन डी। यस, ये अपने पास आंसर होगा। टू ए एप्सिलॉन अपोन डी नहीं आ रहा, कहाँ मिस्टेक कर दी गई, अच्छा अच्छा अरे यार, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, यानी हो जाएगा थ्री, ठीक है, ये ऑप्शन में वो पहले वाला था ही नहीं, ठीक है, तो थ्री एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू डी हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास सी ऑप्शन, क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ऑप्शन दे रखा है, हो सकेगा तो वीडियो के नीचे अपने पास साइड में क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, थ्री ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू डी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो एक्स की पावर एम डी एक्स का कितना होता है, एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन प्लस सी, ठीक है, इस प्रकार से, तो वाई स्क्वायर कितना, वाई का कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू, पावर कितना वन, तो वन प्लस वन टू है, ठीक है, ये अपने पास हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इतना हो गया अपने पास, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे अपने पास पैरल प्लेट्स कैपेसिटर के अंदर, जब हम किसी डायलैक्ट्रिक मीडिया को पुट करते हैं तो उनके बाद में जो उनकी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स थे, हमने मोटा मोटा तौर के ऊपर हमने इसको कर लिया डिस्कशन।
इसके बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर यदि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल से रिलेटेड हो तो ये वाली प्रॉब्लम अपने पास रहेगी। और सीरीज में हमने डिस्कशन ले लिया पैरेलल के अंदर यदि हम कैसे डायलैक्ट्रिक मीडिया को पुट करते हैं तो वो भी अपने पास हो गए। तो लगभग जितनी भी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में वो हमने डिस्कशन में ले लिए। आगे आने वाले लेक्चर्स में या तो हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे या फिर देखेंगे जितना भी जो क्वेश्चंस बचे हैं रिमेनिंग जो जो थीम है क्वेश्चंस की अप्रोच है उनको डिस्कशन में ले लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।